अस्सलामुअलैकुम, ये कोई व्लॉग नहीं है, ये एक अपडेट वीडियो है। जैसे कि आपने मेरे ईद के दो दिनों के व्लॉग देखे थे, तो मसला ये हुआ तीसरे व्लॉग में कि उसमें ना थोड़ी साउंड क्वालिटी का मसला हो गया था, शोर बहुत था, मेरी आवाज़ ज़्यादा कम आ रही थी और लोगों की आवाज़ ज़्यादा आ रही थी। तो मैं ये समझता हूँ अच्छे व्लॉग्स के लिए साउंड क्वालिटी ज़्यादा ज़रूरी होती है, और कैमरा क्वालिटी इतनी मतलब ज़रूरी नहीं होती, क्योंकि स्मार्टफोन भी गुड इनफ है व्लॉग बनाने के लिए। और जैसे आपने मेरी ज़्यादातर वीडियोस में देखा होगा कि साउंड क्वालिटी मेरी अच्छी नहीं होती, शोर आ रहा होता है। आज तो खैर काम है, क्योंकि मैं अपने घर में बैठा हूँ, तो इसलिए मैंने एक ट्रायपॉड ऑर्डर कर लिया है, माइक ऑर्डर कर लेने को तो बंदा रॉड वीडियो माइक प्रो प्लस दे, लेकिन अभी जो मेरा बजट था वो इतना नहीं था कि मैं वो ले सकूं। लेकिन मैंने जितना बजट था, मेरा बजट था 4000 तक का, तो उस बजट में जो थे दो माइक आ सकते थे, या तो टैक्सकार 598 STC या तो बोया का था एक M11। अब दोनों के मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। जो बोया का माइक था उसमें जो था लगता था बैटरी नहीं लगती थी, और जो टैक्सकार था उसमें बैटरी लगती थी, और थोड़ा सा नॉइज़ भी था टैक्सकार में। और जो था प्राइस का भी डिफरेंस है, 3000 का वो था टैक्सकार का, और 4000 का जो था वो था बोया का, वो मिल जाएगा 4000 से लेके 4500 तक। और एक और चीज़ भी थी जो बोया में मिल रही थी और टैक्सकार में नहीं मिल रही थी, वो ये थी कि कंडेंसर, साउंड कंडेंसर एक चीज़ होती है, कैप होता है बेसिकली, वो एक उस पर लगता है माइक के ऊपर, जिससे अगर आप कहीं बाहर जाए ना तो जो विंड की आवाज़ होती है ना वो थोड़ी रिड्यूस हो जाती है, विंड की आवाज़ नहीं आती उससे। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं कर लूँ ऑर्डर, ले लूँ माइक, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रही थी मैं लूँ कहाँ से, सवाल ये उठ रहा था। तो मैंने वहाँ गया, क्या कहते हैं, भाई को भेजा दुकान पे कि जाके चेक करके आओ कितने का है। तो गया भाई, तो वो लोग कह रहे थे कि अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हम आपको ऑर्डर करके हम आपको दे देंगे। लेकिन जो मेरा ऑनलाइन एक्सपीरियंस था वो तो इनिशियल वीडियोज़ में आपने देखा ही होगा कि बहुत अजीब सा बुरा था, और दराज के साथ तो ख़ास तौर पे बुरा था। और मैंने जो है ऑर्डर कर लिया है, क्योंकि ऑनलाइन ही एक ऑप्शन था करने का, लेकिन इस बार मैंने दराज से नहीं किया, मैंने बहुत साइट पे कंपेयर किया था। आई शॉपिंग एक अच्छी वेबसाइट थी, उस पर मिल रहा था 4200 तक का, 300 का, और हाशमी फोटोज़ पे मिल रहा था 4000 का, और उस पर मिल रहा था 3900 का होम शॉपिंग पे। तो मैंने होम शॉपिंग से मंगवाया, क्योंकि रिव्यूज़ भी उसके ज़्यादा अच्छे थे इंटरनेट पे। और अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि कब तक आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 5 दिन तक मुझे मिल जाएगा माइक, फिर आपको मैं एक रिव्यू वीडियो भी बना के दिखाऊँगा कि पहले कैसा था मेरी वॉइस। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि 12 बज गए हैं, कल मैं एक व्लॉग बनाऊँगा, मेरी कज़न की बर्थडे है, और मैं कज़न को, मेरी कज़न है उसे मैं वीडियो में विश कर रहा हूँ हैप्पी बर्थडे। मैं तुम्हारा नाम नहीं ले सकता, लेकिन समझ जाओ देखती है मेरी रोज़ वीडियोस देखती है, और कल फिर उसी की बर्थडे पर आपको मैं मिलूँगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, अल्लाह हाफ़िज़।